नमस्ते, खेड़ेकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय कोल्ड ड्रिंक कहे जाने वाला पेय पदार्थ ठंडाई। ये मुख्यतः उत्तर भारत की देन है और इसे महाशिवरात्रि और होली पर स्पेशली बनाया जाता है। ये दो तरीके की होती है, एक प्लेन जो कि बादाम के साथ बनाई जाती है और दूसरी में भांग मिली होती है। आज हम आपको यहाँ बादाम वाली ठंडाई बताने जा रहे हैं, जिसे आप होली पर और महाशिवरात्रि पर तो बना ही सकते हैं, साथ ही आप इसे गर्मी के दिनों में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को गर्मी से राहत देने में बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं ठंडाई बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। ठंडाई बनाने के लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध, इसमें हमने मलाई नहीं निकाली है, ये लगभग 4 गिलास के करीब है। इसके अलावा हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें हमने 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अगर आप 7 से 8 घंटे पहले पानी में नहीं भिगो पाते हैं तो इन्हें लगभग 2 से 3 घंटे पहले कुनकुने पानी में भिगो दीजिए। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं 20 काजू, 15 पिस्ते, 2 चम्मच हमने लिए हैं खसखस के, 3 चम्मच हमने ली है सौंफ, 5 से 6 हमने लिए हैं यहाँ पर हरी इलायची। हरी इलायची को हमने छील के उसके बीज इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा हमने इसमें डाले हैं 6 से 7 काली मिर्च, 2 चम्मच खरबूजे के बीज और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके अलावा हमने लिए हैं 20 काजू, इन्हें भी हमने रात में पानी में भिगो दिया था। हमने लिए हैं 2 से 3 चम्मच गुलाब जल, आप गुलाब की पत्तियां भी ले सकते हैं। इस गुलाब जल के अंदर हमने 15 से 20 केसर के धागे 10 मिनट पहले डाल दिए हैं और हमने ली है शक्कर लगभग 4 से 5 चम्मच। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करने रख देते हैं और जिस पानी में हमने ड्राई फ्रूट्स को गलाया था वो पानी हम वॉश कर लेते हैं, क्योंकि 6 से 7 घंटे गले होने के कारण ये पानी में से हल्की सी बदबू आने लग गई है। हम इसे 2-3 बार वॉश करके पानी को पूरा अलग कर लेंगे। दूध हमने गर्म करने रख दिया है और ड्राई फ्रूट से भी हमने पानी बिल्कुल अलग कर दिया है। अब हम सबसे पहले जो हमने बादाम भिगोए थे उनका छिलका निकाल लेंगे। बादाम का छिलका हम यहाँ चाकू की मदद से निकाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे नाखून की मदद से भी निकाल सकते हैं। चाकू की मदद से ये इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से हमें सारे बादाम के छिलके निकालने हैं। ये देखिए बादाम के छिलके निकल गए हैं। इस तरीके से सारे बादाम के हम छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए सारे बादाम के हमने छिलके निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये सारे बादाम डाल देंगे और अब इसमें हम सारे गले हुए बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये देखिए मिक्सी के जार में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हम इसे एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसे पीसने के लिए हम थोड़ा सा जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा था उसी दूध का यूज़ करेंगे। पेस्ट हमें बहुत ही बारीक बनाना है जिससे कि जो हमारी ठंडाई है वह काफ़ी अच्छी बने। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम देख लेते हैं हमारा दूध गर्म हुआ है कि नहीं। दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक शक्कर को हम इसमें पकने देंगे ताकि शक्कर हमारी अच्छे से दूध में घुल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, शक्कर हमारी अच्छे से दूध में घुल चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डालेंगे।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इस दूध में ड्राई फ्रूट्स को पकने देंगे। इसे हमें कंटिन्यू हिलाते भी रहना है ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स के जो हमने डाले हैं वो जले नहीं और इसकी सारी गुठलियाँ भी हमें मिटाते जाना है चम्मच की मदद से। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं ड्राई फ्रूट्स को दूध में पकते हुए। अब हम इसमें केसर और गुलाब जल को ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम अब बंद कर देते हैं। ठंडाई हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी ठंडाई अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ये सर्विंग के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसे छान कर भी सर्व कर सकते हैं या फिर बिना छाने भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे यहाँ बिना छाने सर्व करेंगे क्योंकि हम इसके ड्राई फ्रूट जो हैं वो दानेदार पसंद करते हैं ठंडाई में। इसे सर्व करने के लिए हम एक ग्लास लेंगे, आप कांच का ग्लास भी ले सकते हैं या फिर कुल्हड़ में भी इसे सर्व कर सकते हैं। इसमें हम कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। ठंडाई हमारी ऑलरेडी ठंडी है लेकिन चूंकि इसका नाम ही ठंडाई है इसलिए ये जितनी ठंडी होगी उतनी ही टेस्टी लगेगी और उसमें हम ये जो हमारी ठंडाई है वो हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने ठंडाई को ग्लास में निकाल लिया है। अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे सर्विंग के लिए। ये मैं पिस्ते डाल रही हूँ और इस पर हम कुछ केसर की धागे डाल देंगे। ठंडाई हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं सर्व करते समय, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए ठंडाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप थोड़ी शक्कर ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी इसमें ऐड और कर सकते हैं और अगर आप इसमें थोड़ा कलर चाहते हैं तो जो खाने का कलर आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस बार होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।